एक सवाल आपसे मेरा, आपको कैसी लड़कियाँ पसंद? हर तरह की। राजा जी, हर तरह की? तरह की तो बहुत किस्म की है। लड़की होनी चाहिए सूरी तौर पर। तीन दिन की मुझे तो कोई एक भी नहीं समझ आ रही। ऐसे तो ना। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। कोई चीज हो तो तारीफ करने वाली मैं करूँ। चीटिंग 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 करता है तू। हंसते चेहरों का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कभी कोई तकलीफ नहीं होती। वाइफ के लिए हो फिर मेरे ख्याल से शलवार कमीज बेच चाहिए। अगर वैसी दोस्त हो या गर्लफ्रेंड हो मेरे ख्याल से कुछ जींस बेच। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर। कितने से आने हैं? एक बात देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए। जलने को है तैयार हम, परवाना बना दीजिए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, SNN न्यूज़ के साथ मैं हूँ महनूर मकबूल। आप देख रहे हैं मुस्कुराना मना है। नाज़रीन, आज का सवाल है आवाम के साथ, स्पेशली लड़कियों और लड़कों के लिए, कि लड़कों को कैसी लड़कियाँ पसंद है और लड़कियों को लड़के कैसे पसंद आए, आवाम से बात करते हैं। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? हसीब। क्या करते हैं? मैं टेलर हूँ। टेलर हूँ? ये पार्क में कौन सा? ये आपके दोस्त आई जा रहे हैं, इंजॉय करने आए हैं। इनको बुलाओ भी। ये छोड़े, ये शर्माते हैं। क्या कर रही हो? मुझे शर्म आ रही है। पार्क में क्या? एंजॉय करने आए हैं। एंजॉय करने आए हो? कौन सा एंजॉय? लड़कियों को देखने? नहीं नहीं, हम अल्हम्दुलिल्लाह शादीशुदा हैं। हमने वाकई शादी? हाँ। मैरिड? हाँ। अच्छे हैं? नहीं अभी नहीं है। यकीन नहीं आ रहा शादीशुदा? चलो नहीं यकीन आ रहा, आओ मेरे घर पे मैं आपको दिखाऊं। नहीं नहीं बस जी का काफी है। फिर एक सवाल का जवाब दो, किस तरह की लड़कियाँ पसंद है? राजा जी, लड़कियाँ पेंट शर्ट में छिलकते हैं या शलवार कमीज? नहीं जैसे कि आप। जैसे कि मैं पेंट शर्ट में लड़कियाँ नहीं पहनती, कभी खुद नहीं पहनी। क्यों? अच्छा पहनी नहीं तो अच्छी भी नहीं लगती? नहीं, लड़कों को तो बड़ी पसंद होती है लड़कियाँ। नहीं नहीं पसंद। कैसी लड़की पसंद है? जैसे आया तो आया, जैसे कि आप अपने भी इस तरह की मैं दूसरी शादी करूं। आप पहले से खुश नहीं? नहीं खुश हूँ वाला। हम तो फिर दूसरे की क्या जरूरत? कोई नहीं, चार शादियां करनी चाहिए। पहले से परमिशन ले? हाँ क्यों नहीं, आप मैं परमिशन ले लेता हूँ। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर। मैं पहले ना ढूंढ लूँ। गाना सुनाओ। गाना वगैरह? शायरी? नहीं। मेरी तीन तरीफे कर। कोई तरीका है भीख मांगने का? क्या तीन तरीफे? मेरी तीन तरीफे कर। मुंह तो आया आपने। अच्छा क्या तरीफे करनी? सवाल नहीं करना। क्या तरीफे करूं बताएं? तारीफ कर दो, मेरे बाल प्यारे, मेरी आंखें प्यारी है, मैं प्यारी है, मैं मेरी आवाज प्यारी है। तो आपने कहना मेरे जैसा इस ग्राउंड में और कोई है ही नहीं है। नहीं मैं नहीं शौकी होती। अच्छा चले, आपके बाल भी प्यारे हैं, आपके कपड़े भी प्यारे हैं, आप खुद भी प्यारी हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम आपका? मेरा नाम सनाउल्लाह। सनाउल्लाह क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, ग्रेजुएशन किया हुआ मैं। मेरी स्टूडेंट है। लाहौर के? नहीं नहीं मैं बलूचिस्तान से। कैसा लग रहा है लाहौर? लाहौर बस सही है, मैम स्टडी के लिए, हम घूमने के लिए नहीं आए, वैसे जनाब आप घूमते। अच्छा अच्छा चलिए, एक सवाल आपसे मेरा, आपको कैसी लड़कियाँ पसंद? मुझे कैसी लड़कियाँ पसंद मीन्स के लड़कियाँ आपको जीन्स में चलती हैं या शलवार कमीज? राजा जी ये तो बड़ी अहम सवाल आपने पूछ ली, मैं इसका कैसे जवाब दे दूँ आप? नॉर्मल सी बात है, या पेंट शर्ट में या शलवार कमीज? वैसे अगर इसको तकसीम कर ले, अगर वाइफ मटेरियल हो, वाइफ के लिए हो, फिर मेरे ख्याल से शलवार कमीज बेच चाहिए। अगर वैसी दोस्त हो या गर्लफ्रेंड हो, मेरे ख्याल से कुछ जींस बेच। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर। कितने से आने हैं? बुड्ढी हो तो शलवार कमीज में, कोई दोस्त हो तो पेंट शर्ट में। हाँ यार इसी तरह। ऐसा क्यों? तो बस इंसान का नेचर इसी तरह है। अगर बीवी आपकी पेंट शर्ट पहने तो? तो कोई मसला नहीं, घर में पहले कोई मसला नहीं, घर में पहन के फिर ले, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। चलें बेहद अच्छी बात है, कुछ सुनाना चाहेंगे? नहीं और मतलब कोई गाना, कोई शायरी? नहीं शायरी ना गाना मेरे ख्याल से नहीं सुना पाऊंगा। क्यों नहीं सुना पाएंगे?
मैं खास मुझे पश्तो वाले थे वो आपके चैनल पता नहीं कौन से वाले हैं दो लाइनें सुना दे कुली मख्त पर कतल की गुनानिश नहीं मैं भूल गया पता अपनी पश्तो भूल गए हाँ नहीं वो ऐसे था कि सिपर्क द पर नजर के नहीं एहरमाना कुली मख्त पर कतू की गुनानिश बिल्कुल चुप यानी अगर चेहरा हसीन हो आपके सामने जहाँ पे भी हो जरूरी नहीं कि आपके सामने हो उसको देखने में अगर आपकी नजर में फर्क ना हो तो उसको देखना कोई गुनाह नहीं है अच्छा अच्छा चलो ठीक है समझ आ गई बहुत शुक्रिया ओके मेरे में वालेकुम सलाम क्या नाम हमाद रजाक हमाद क्या करते हो आर्टिस्ट हूं आर्टिस्ट हैं कौन किस चीज के एक्टिंग करता हूं एक्टिंग करते हो यस ड्रामा एक्टिंग ड्रामा सीरियल वगैरह में या ड्रामा की ट्राई है शॉर्ट फिल्म और थिएटर ओके 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 ठीक हो गया चलिए एक सवाल आपसे मेरा आपको कैसी लड़कियां पसंद है लाइक शलवार कमीज वाली या पैंट शर्ट हर तरह की राजा जी हर तरह की तो बहुत किस्म की आती हर तरह की लड़की होनी चाहिए असली तौर पे ये तो मजा हो गया नस चलती है बस लड़की हो जाहिर है अल्लाह ताला ने औरत को बहुत खूबसूरत बनाया तो वो हर तरह की ड्रेसिंग तो हर किसी की अपनी चॉइस होती है कि वो कोई वेस्ट पसंद करती हैं वेस्टर्न हाँ ये तो हर किसी की अपनी चॉइस है मतलब आपको कोई इशू नहीं लाइक लड़की जींस वाली हो या शलवार कमीज की मर्जी हो या लड़की की अपनी मर्जी शादी कैसी से करनी अभी शादी का सोचा ही नहीं है तो सोचना तो पड़ेगा अभी नहीं सोचना क्यों अभी करियर पे फोकस है कितने है क्या एज हो गई अभी 25 तो कब करनी है आप अभी बहुत आई थिंक एज होनी चाहिए 27-28 एज डिपेंड नहीं करती डिपेंड करता है कि आप स्टेबल कब होते हैं वो आप 22 में हो जाएं 20 में हो जाएं तो आपको कर लेना चाहिए तो आपका क्या गोल है कब तक स्टेबल होना कल हो जाऊं तो परसों शादी कर लूंगा चले तो ठीक है सुनाना चाहेंगे सवाल का जवाब दे सकता हूं सुनाने का भी गाना कोई शायरी शायरी भी नहीं गाना भी नहीं चले फिर वो एक कोई डायलॉग सुना दे कुछ भी नहीं कोई सवाल पूछ सकते हो डायलॉग मैंने कहा सवाल देखे देखिए मैंने पूछना जवाब आप चले मैं सवाल करी ना आपसे वो एक फिल्म आई थी मौला जट उसकी एक करेक्टर का रोल आपने करना है वो करेंगे मैं एक डायलॉग बोल मैं बोल सकता हूँ डायलॉग का इशू नहीं है वो आप यही कहेंगे कि वो मौले वाला डायलॉग जो नहीं मौले वाला नहीं ये पूछना चाहते अमूमन सुनते हैं सोशल मीडिया बस ठीक है फिर आपने मायरा खान का रोल अदा करना है मौलिया मैं तेरी पक्की पक्की मशहूर का मैंने कौन सा लड़की बनना है मैं ये कोई और एक डायलॉग बोलना मैंने आपसे पूरी एक्टिंग मांगी चलें वो अभी हीरा मंडी का मैं फिर आपको एक सुना देता हूँ चलें सुनाएं अभी आपने देखी होगी सीरीज हाँ थोड़ी एक बार देख लीजिए दीवाना बना दीजिए जलने को हैं तैयार हम परवाना बना दीजिए ओके ओके चलें बोल थैंक यू अस्सलाम सलाम जी क्या नाम जी मोहम्मद अरशद क्या करते हैं मैं कुछ भी नहीं बस फ्री फ्री होते हैं हाँ जी काम शाम नहीं करते काम शाम कर लेते हैं लेकिन ज़्यादातर हमारी जो है हॉबी है वो फ्री होना है फ्री होना है अच्छा आप इतना तेज इतर लगाए मेरे दिमाग में मैम 10,000 क्या बेइज्जती तो ना करें इतने 10,000 नहीं इतना नहीं परफ्यूम है अजीब से वो दिमाग को चढ़ा कोई बात नहीं एक सवाल आपसे मेरा आपको कैसी लड़कियां पसंद है बोल्ड या ईस्टर्न या वेस्ट नहीं मैम मुझे लगता है देसी होनी चाहिए शरीफ सी जो दुपट्टा भी पहने राजा जी देसी हाँ देसी और बोल्ड नहीं पसंद पैंट शर्ट नहीं नहीं बोल्ड तो बिल्कुल भी नहीं पसंद आपको अच्छी कैसी लगती हैं लाइक होता है ना एक आपको माइंड होता है कि यार इस तरह की लड़कियाँ अच्छी लग रही हैं इस तरह इन पर ये सूट कर रहा है इन पर ये सूट नहीं जो दुपट्टा सर पे पहने बाजू पे ना पहने या मुझे देखे बोल रहे हाँ जी आपको ही कहा है मैं सर पे भी ले लूँ नहीं अभी तो आपने देखे बाजू पे लटकाया हुआ है माइनस हाँ जी कोई बात नहीं छोटा करवा लेते इसे मतलब आपको ईस्टर्न पसंद है वेस्टर्न नहीं हाँ जी नहीं वेस्टर्न तो बिल्कुल भी नहीं पसंद सुनाना चाहेंगे नहीं मैम कुछ ऐसा कोई टैलेंट है ही नहीं अगर टैलेंट होता तो इधर तो ना बैठे होते हम कोई भी टैलेंट नहीं 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 बिल्कुल नहीं जी गाना कोई शायरी सुना नहीं कभी भी नहीं किया हमने शायरी मेरे तीन तरीके मुझे तो कोई एक भी नहीं समझ आ रही ऐसे तो ना कहे नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं कोई चीज हो तो तारीफ करने वाली मैं करूं चीटिंग 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 करता है तू हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कभी कोई तकलीफ नहीं होती ये बात मेरी मिट्टी मिट्टी का कोई बात नहीं अब इसका मीम बनाएंगे तो अच्छा चलेगा
अपने को तीन तरीफे। मैं तो आपके सामने बैठा हूँ, अगर मैं अच्छा था तो आप मेरे पास आई हैं। इतना कौन होना चाहिए बंदे को। अगर मैं कहूँ मैं इस वजह से नहीं आई, फिर आप क्या नहीं आई? आप मैं इस वजह से नहीं आई तो आप किस वजह से आई हैं? मैं तो अपना प्रोग्राम करके आप सबसे पहले आई थी, आपने मेरे परफ्यूम की तारीफ की। इसका मतलब मैं आपको अच्छा ही लगा था। राजा जी कॉन्फिडेंस लेवल चेक करो यार। जी थैंक यू। मैंने तारीफ नहीं की थी, मैंने कहा मेरे दिमाग को चाहे। कोई बात नहीं, अपना वो अलग बात है, बिस्ती भी तारीफ लगे। और नहीं नहीं नहीं, आपने तो सबसे पहले कहा है कि मेरे दिमाग पे चल रहा है, दिमाग पे अच्छी चीजें चढ़ा करती हैं। चले बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आसाम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम? इकरा सलीम। क्या करते? मैं PMS की तैयारी कर रही हूँ। आपको किस किस्म के लड़के पसंद है, बियर्ड वाले, नॉन बियर्ड? दाढ़ी वाले। बगैर बियर्ड वाले भी? नहीं, वो अच्छे नहीं लगते, मतलब इस तरह जैसे छिले हुए आलू हो या इस तरह। छिले हुए आलू? हाँ बिल्कुल इस तरह लगते हैं। अक्सर लड़कों ने कराई होती है, अक्सर लोग ना कमेंट भी करते हैं गे लग रहे हैं, चिकने लग रहे हैं। बिल्कुल, मैं यही बात कहना चाह रही थी कि गे और चिकना टाइप मर्द जो होता है ना, वो डिसेंट और दाढ़ी वाला ही अच्छा लगता है। जेंटलमैन? जेंटलमैन, वो भी हल्की बियर्ड वाला, ये नहीं कि इतनी भारी हो जीभ गुजरों टाइप। ऊपरा शेव, बड़ी हुई शेव में आप कह सकते हैं, मतलब इतनी बहुत ज्यादा भी नहीं और बड़ी हुई शेव हो और डिसेंट से हो और थोड़ी थोड़ी बड़ी बड़ी मूछें हो। बड़ी मूछें? हाँ बड़ी मुझे पसंद है। पेंट शर्ट वाले पसंद है या शलवार कमीज? शलवार कमीज। शलवार कमीज अपना कल्चर पसंद है? हाँ अच्छे लगते हैं। पेंट शर्ट में नहीं, तब भी अच्छे लगते हैं दोनों। वो अगर स्पेशली अगर कोई हो ना जेंटलमैन लाइट, उसकी बॉडी शेप अच्छी हो तो उस पर सूट करता है, कुछ होते हैं बिल्कुल पतले से उस पर बिल्कुल सूट नहीं करते। छड़ी पे कपड़ा लटकाया होता है जैसे। हाँ डंडे ऐसा कोई देखा? सोटी पे कभी किसी ने? कभी वो मेरे सामने ही खड़ा है। अपने पार्टनर को बोल रही, जिनका स्टडी पार्टनर ही, अपने स्टडी पार्टनर को बोल रही मेरे सामने खड़ा और वो चढ़ी पे कपड़ा। सोनी यार कोई मसला नहीं, हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कभी कोई तकलीफ नहीं होती। सोनी चलो कुछ सुनाना चाहेंगे? नहीं, गाना कुछ नहीं, गाना तो नहीं और शायरी भी नहीं कह सकते बस। चलिए मेरी तीन तरीफे। आप अच्छी लग रही हैं। दो। आपका नेम आई थिंक महनूर, महनूर कहोगे, अच्छा नेम है, प्यारी लग रही हैं। तीसरी? अच्छी लग रही हैं, बस अच्छी लग। हाँ बहुत शुक्रिया। ओके थैंक यू। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या नाम? ज़ैनुल आबदीन। ज़ैनुल आबदीन क्या कर? मैं स्टडी करता हूँ यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग में। क्योंकि लाहौर से हो? नहीं सिंध से हैं। सिंध से हो? जी हाँ, यहाँ पर पढ़ते हैं। चलो मुझे एक सवाल का जवाब दो, कैसी लड़कियाँ पसंद है, लाइक बोल्ड या शलवार कमीज? नहीं प्यारी तो दोनों ही लगती है, लेकिन शलवार कमीज में ज्यादा प्यारी लगती है। राजा जी मतलब शलवार कमीज कल्चर में ज्यादा प्यारी लगती है। अगर आपने किसी शादी करनी हो वो शलवार कमीज ना पहनती हो, पेंट शर्ट पहनती हो, फिर हाँ फिर सही है, काम चल जाएगा। काम चल जाएगा? जी जी काम चल जाएगा। मतलब ईस्टर्न हो या वेस्टर्न दोनों से काम? वेस्टर्न। मैं मुझे वैसे इस्तांबुल की लड़कियां पसंद हैं, हाइट की ज़्यादा लंबी हो और अच्छे बाल हों उसके, शलवार अगर शलवार कमीज पहन ले तो फिर वही मज़ा है। मतलब इनको तुर्की की लड़कियां पसंद हैं? जी जी। तुर्की की लड़कियों की हाइट देखिए कितनी होती है। जी जी उसी वजह से तो पसंद है ना। अपनी हाइट नहीं, मेरी मैं अपनी हाइट नहीं अपनी हाइट का ढूंढोगे ना, मेरी हाइट भी इतनी वो नहीं है ना, कम नहीं है ना। कितनी है मेरी? हो जाएगी 5.5। 5'4"? तो मेरी आपसे तो ज़्यादा लंबा हूँ मैं। आपसे मेरे से तो लंबा। हाँ तुर्की की लड़कियों की हाइट 6 फुट होती है, 6 से प्लस होती है। 6 तो थोड़ा सा ही फर्क होगा ना, पता लगेगा लड़का छोटा लड़की लंबा। खेरे शूज पहन लेंगे वो। खेर एक मिनट, खेर है कि खैर है? नहीं दोनों ही है। मुझे लगा खीर बोल रहा है, खीर है। खैर है, आपने क्या बोला? खैर खैर है। खैर आपने सिखा दिया, अच्छी बात है। चलिए कुछ सुनाना चाहेंगे। क्या सुनाएं आपको? गाना कोई शायरी? शायरी सिंध से हो तो शायरी तो आती हो? हाँ शायरी आती है, लेकिन अभी मतलब
अभी फंस गई है। हाँ अभी फंस गई है, दिमाग में नहीं आ रही अभी। मेरी तीन तरीफे का। हाँ मेरी तीन, आपके बाल बड़े प्यारे, ड्रेस अच्छी पहनी है आपने, फिगर भी बहुत अच्छी है। तीन तरीफे हो गई ना, हो गई आंखें, चौथी भी कर ले तो आंखें बहुत प्यारी है। ओके शुक्रिया, शुक्रिया। चलो अब मैं शौकी हो जाऊंगी। नाजीन आपने लोगों की बातें सुनी, उनके राय ली आपने, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ, नए सवालों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।